Oh, hi my beautiful people, I'm so happy to have you here. Welcome back to my channel and welcome back to yet another video. आज मैं वापस आ गई हूँ with another fun challenge with my two very favorite people. So one is my sister Subhana Sheik. Hi. And the other one is, आपको already पता है, this is my brother Yaseen. तो आज हम करने वाले हैं a very fun challenge which is who knows me better. ठीक है, आप लोग रेडी हो? रेडी हो? थोड़ा तो स्पोर्टी रहो कि हाँ आप लोग रेडी हो, एक्साइटेड हो। हाँ बहुत ज्यादा। हाँ ये लोग तो ऐसे बन ठन के आए हैं यू गाइस, गरीब की तरह बैठी हूँ। हमारा कोई प्लान नहीं था कि यहाँ पे आने का। हम लोग हाँ इसको बन ठन के कहते हैं। मैं देखो बिना नहाए बैठी हूँ यहाँ पर। हाँ वो तो नहाती भी नहीं है वैसे। जीतने वाले को कुछ तो मिलना चाहिए ना, ऐसे फालतू का कोई। ठीक है मैं एक किस दे दूंगी, चलेगा? ऐसा तो हवा भी चले जाए। एक सेकंड जीतने वाले को कुछ तो मिलना चाहिए। ठीक है क्या 5000? नहीं वाले ठीक है, वो जो परफ्यूम है ना वो मेरा आज से। हां उधर जो टॉप कोट रखा है वो मेरा। It was at this moment that he knew he fucked up. हां इतना काफी है, 5000 की जरूरत नहीं है। ठीक है ओके वाला परफ्यूम हमारा नहीं, इससे अच्छा 5000 ही। नहीं या फिर नहीं चलो ठीक है डिसाइडेड, जो भी जीतेगा उसके लिए ट्रीट होगी। नो नहीं चाहिए, जो आप लोगों को खाना है वो मैं ऑर्डर करवा। नहीं खाना बहुत खा लिया। हां बहुत खा लिया। हम दोनों फूटी नहीं है, यासीन थोड़ा कभी-कभी हो जाता है बट मैं तो बिल्कुल नहीं हूं। कभी-कभी हो जाता है। एनीवे किसी को कुछ नहीं मिल रहा। रूल सेट कर देते हैं पहले। तो रूल सेट ये है, आप लोगों ने कॉफी विद करन तो देखा होगा, तो हम थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करेंगे। तो जिसको भी फर्स्ट यू नो आंसर देना है, मैं उसको मौका दूंगी कि कौन फर्स्ट आंसर करेगा। तो उससे पहले आप दोनों को एक बजर की तरह कुछ तो आवाज निकालनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स हमारा इतना बजट नहीं है, कम बजट नहीं है हमारे पास, तो आप लोगों को आवाज करनी पड़ेगी। जो सबसे पहले जो सबसे पहले आवाज करेगा उसको मैं बोलने का मौका दूंगी। एनीथिंग आ ऊ ए एनीथिंग। हाँ कुछ भी जो भी हाथ आवाज तो करनी पड़ेगी। ए ए ए ए ए हाँ कुछ भी चलेगा बट मुंह से आवाज निकालनी पड़ेगी। चलेगा ठीक है, जो फर्स्ट आवाज करेगा मैं डिसाइड करूंगी किसने फर्स्ट आवाज निकाली है, तो मैं उसको मौका दूंगी बोलने का। तो अभी बिना बकवास करे स्टार्ट करते हैं विद आवर क्वेश्चंस। लेट्स सी हु नोज मी बेटर। मैंने ऐसे लीड मेन कैरेक्टर वाली वाइब आ रही है ये, बिकॉज दिस होल वीडियो इज अबाउट मी। वो तो तुम्हें हमेशा आती है। रेडी हो? Yes. आप रेडी हैं? Yes bro. तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं बहुत इजी से स्टार्ट कर रही हूँ ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है माय बर्थडे। इसने बोला गो शूट। 1997 डेट मार्च। ओके 24। इसी का था वो, बीच में कोई भी बोल दे, जिसका मौका था उसी को बोलना पड़ेगा। ओके सेकंड क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता आप लोगों को किसी को ये पता है, बोलेगी अभी कितना टाइम है। इंस्टाग्राम पे मेरे कितने पोस्ट हैं? Really? Okay, fine. Okay, मैं try कर सकती हूं। इसने बोल दिया पहले। Okay. Try करो क्या? कितने? Post total post कितने हैं? तुम्हें आंसर नहीं पता है तो भी 60-70 something उतने होंगे। Exact नहीं पता मेरे को, मैंने कंप्लीट किया। Exact ना सही बट अगर इसका आंसर यासीन ने दे दिया तो ये मैच फिक्सिंग है। भाई बहन मिलके सौतेली बहन के साथ अत्याचार कर रहे हैं। सौतेली नहीं है ये, कजन है, सौतेली नहीं है। ओके ठीक है बट जो एग्जैक्ट नंबर ना सही पर आसपास जो भी बोलेगा उसको पॉइंट मिलेगा। तुम्हारा क्या नंबर है? 60-70 उसके बीच में। ठीक है 60-70 लेट्स कीप इट। तुम इंस्टाग्राम पे ना 55-50 पोस्ट रील सब कुछ मिलाकर हाँ ओके। मेरे ही 96 हैं तो शायद तुम एक्टिव हो ज्यादा, तो 100 90 95 100। तुम्हारा जो भी काउंट। ओके 95 और 100 के बीच। ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता, तो देखते हैं कौन जीतता है। पोस्ट रील दोनों टोटल पोस्ट ऊपर है था 65 तो बोला ना 65। ओके तो टोटल है जो मैंने अब तक पोस्ट किए हैं इट इज 122। तो नजदीक सबसे ज्यादा क्लोज ये है तो शी गेट्स द पॉइंट। देख सकते हैं? नहीं वैसे भी दिखेगा नहीं, अब देख के कर भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which is the last Which is the last show I have completed? किसने बोला पहले? इसने। इसने बोला? मुझे याद नहीं है। मुझे तुम्हारा पहले सुनाई दिया मुझे। तुमने बोला ठीक है। तो नेटफ्लिक्स में शायद जॉर्जिया और एंड जिनी समथिंग था वो। मैंने नहीं देखा। मैंने देखा रिसेंटली वॉच क्योंकि इसका नेटफ्लिक्स ये जो दो भाई बहन हैं एक ही नेटफ्लिक्स को लॉग इन करके देखते हैं, तो इनको दोनों को पता होता है कि रिसेंट वॉच देखा होगा इसने कल ही। कौन देखता है, तुम्हें तो आते हैं ना वहाँ पे शो करते रहते हैं तो हाँ इसलिए पता है। ठीक है हाँ, तो हो रहा है थोड़ा सौतेला व्यवहार यहाँ पे। नो ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट अ क्वेश्चन। दिख रहा है ऑडियंस को, दिख रहा है ऑडियंस को, दिख रहा है। अब क्या बताऊं, बहुत सारे हैं जो इसको पता भी नहीं होंगे। देखते देखते ठीक, तो मूविंग ऑन विद माय नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी फर्स्ट इनकम कितनी थी? इसने बोला नहीं, टोटल फर्स्ट इनकम कितनी थी जो हाथ में मेरे मिली थी? हेलो मेरा चांस है, रुक जाओ। 8000 समथिंग थी, 8000 के आसपास। ठीक है, ये भी ठीक नहीं बोल रही है, बट जो सबसे ज्यादा क्लोज होगा वो उसको मैं मतलब दूंगी पॉइंट। 1500 वो इंक्लूड नहीं करना। जब जितनी मिली थी हमें साथ, जितनी भी तुम्हें मिली थी वो 1500 समथिंग थी, मुझे इतना याद है। टोटल हाँ टोटल 1500 16,000 ब्रो। So, नहीं 1500 नहीं बोल रही मैं, 8500 बोला था फिर या तो 16,000 समथिंग में। अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं जो भी सबसे एक नंबर बोलो मुझे जो सबसे ज्यादा क्लोज होगा उसको बोलो। 1000 से 2000 के बीच में आप बोलो। 1000 से 2000 के बीच में। ओके सो ना ये गुजरात में थी तब मम्मी के पास लेके आके इसने दिया था वो। ऐसा है, ये तो गलत ही होगा क्योंकि इससे पहले भी तो तुम्हारा इससे पहले का मेरे को नहीं पता, इससे पहले का सोच तुम्हें नहीं पता। तो हां माय फर्स्ट इनकम वाज 14000 रुपीस। ये तुम्हें कैसे नहीं पता? हां 14000 समथिंग, मुझे वही तो मैं बोल रही थी। लिसन वो 8 मुझे कंफ्यूज हुआ कि 15 डेज में कुछ मिली थी शायद, फिर हां 15 डेज में मिली थी तो 8000 समथिंग थी वो। उसके बाद हमें मंथ का बताएं तो हां इतना 14000। यस आई एम सो हैप्पी। वो अमाउंट उस टाइम पे बहुत बड़ी अमाउंट थी, राइट? या सो ये माय फर्स्ट इनकम वाज 14000। मुझे अच्छे से याद होना चाहिए था क्योंकि हम दोनों को साथ में मिली थी। यस बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, बट घर का वही तो पिछले वाले क्वेश्चन में तुम्हारा था ना। हां बट फिर भी घर पे तो पता ही होना चाहिए ना। बात तो की थी मैंने, माँ के पास बात की है मैंने, इनफैक्ट उनको ऑलमोस्ट पूरे मैंने उन्हीं को दिए थे, तो आई थॉट कभी ना कभी तो सुना होगा। एनीवे तो इसको मिलता है पॉइंट 2-2 ईच, राइट? 2-2। ओके ये बहुत फन एम्बैरेसिंग क्वेश्चन है। ओके व्हाट्स वर्स, माय मॉर्निंग ब्रेथ और माय गैस? कौन? इसने मैंने बोला मोहल्ले को पता है। मैंने बोला सब मोहल्ला आ रहा है सोने जो भी है। मैंने बोला था ठीक है तुम्हारा मॉर्निंग फॉल न्यूक्लियर बम से भी बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। देखो कुछ लोगों का होता है बहुत खतरनाक वाले आवाजों के साथ, बम नहीं होता वो बट लोगों को इतना असरदार होता है, लोगों पे इतना असर करता है, बहुत खतरनाक। या आई वुड एग्री ऑन दैट। इमेजिन थोड़ा एम्बैरेसिंग था बट यस आई वुड लाइक टू एग्री कि वही है। ओके जब मैं छोटी थी, व्हेन आई वाज यंग, तो वो कौन मेरे दो बहुत फेवरेट लोग थे? ये और मैं नहीं थी। ओके बचपन की बात हो रही है ना? बचपन। ओके टीनेज से पहले की बात है, तो आफरीन और मिसबा। करेक्ट। ये मेरे को कैसे पता होगी? मैं तो अभी बहुत छोटा था। जो भी हो इससे तो सुने होंगे। हम इतना भी नहीं कि वो अपने खुद के बचपन के लाइक 2-3 साल की बात नहीं है, जब वो थी छोटी, इतनी छोटी नहीं। तुम्हें याद होना चाहिए। मैं 9-10 साल का, मेरे को याद होना चाहिए। क्यों नहीं? 9-10 साल में इंसान का दिमाग इतना कमजोर नहीं होता। तो पता होनी चाहिए क्योंकि एक ही घर से बिलोंग करते हैं, कोई 2 गांव दूर के नहीं है। तो यस तो इसमें अब तक जी लीडिंग ये है, ठीक है लीड हमारी सुभाना जान कर रही हैं। ठीक है वो भी रखना, ठीक है चाहिए एक चाटा मिलेगा दोनों को। वैलेंटाइनो एक तो जाएगा ही जाएगा, कुछ नहीं दो या कंफर्ट हो। नहीं कुछ नहीं दो, नहीं आपको बस ट्रीट मिलेगी और कुछ नहीं। मैं चाहिए पूछा किसने? ठीक है लड़ मारो, मेरा क्या है, वीडियो एंटरटेनिंग हो जाएगी, देना तो मैंने कुछ है नहीं। हमने बता दिया कि हमें क्या चाहिए। वैसे भी ये ट्रू है, एक टाइम पे मैं इसको कंट्रोल कर सकती हूँ कुछ भी बोल के कि नहीं दूंगी कुछ भी, बट दिस गाय इसने मेरी इमोशनल अत्याचार करेगी, तुम्हारे पास है ऑलरेडी है ऐसे कुछ बोलेगी बस। हाँ बट ये तो हमेशा से यूज करता है मेरे परफ्यूम्स, तो उसको ही दे देना। इट डजंट माइंड लड़कों की है लड़कियों की, जस्ट है वो यूनिसेक्स है। यूनिसेक्स है, दो दोनों को दे दे। अगर तू जीतता तो तू ले ले। ओके मैं जीती हूं तो मैं ले लेती हूं। हां वाओ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी चीज है जो मैं कभी नहीं करूंगी? किसी का दिल तो तोड़ती है, वैसे चीट नहीं करेगी तू किसी को। एक चीज है जो मैं कभी नहीं करूंगी। आई मीन आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ डूइंग दैट। ऐसी कौन सी चीज है यार? तो सब कुछ कर सकती हाँ वही हो सकता है ना? इतनी भी नहीं हो, मम्मी जूते लेके मारी, जूते खा लेके शादी नहीं करेगी, इतना तो हमें पता है। कह सकते हैं एक तरह से, बट है कुछ मेरे दिमाग में फिक्स्ड है कि हाँ ये चीज मैं कभी नहीं कर सकती। किस चीज के बारे में? बाल, हेयर, लेंथ, ज्यादा लेंथ नहीं रख सकती। वो तो मैं किया है ना बहुत बार। ये तो सारे गंजी हो सकती शायद, गंजी। हाँ वो भी है, कह सकते हैं। यार कितने सारे हैं, तुम क्या नहीं कर सकते। ओके नाउ दैट आई थिंक ऑफ, गंजी नहीं हो सकती इज अ डिफरेंट थिंग, बट एक चीज है जो मैंने बहुत ऐसे यू नो हमेशा से इट्स इन माय माइंड कि मैं ये कभी नहीं कर सकती। स्ट्रेटनिंग, रिवॉल्विंग किया है वो सब, केराटिन, सही क्या है, ये सब किया है। ठीक है, मैं इसी के आसपास है, इसी के पास। मैं और मौके दे रही हूँ आप लोगों को, इसी के आसपास है, जो फर्स्ट जवाब देगा उसको मिलेगा। कर्ल नहीं कर सकती अपने बाल? नहीं करते हैं ना, कर्ल कौन नहीं करेगा। परमानेंट वाला कुछ आता है ना, वो ऐसा कुछ। डाई? करेक्ट, वाइट नहीं, एक दो कलर, हाँ रेड, हाँ शट आप, वो तो कोई भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, कितने लोग करते हैं, तो करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि ये बिल्कुल नहीं करेगी, बट ये अपने हिसाब से यहाँ पे जा रही है। नहीं, ये मेरे दिमाग में ऑलरेडी था, क्वेश्चन पूछने से पहले से मेरे दिमाग में था। इट्स नॉट दैट कि अभी मैंने ऐसे इधर उधर बदल दिया। अगर वो ट्रेंड में है तो यहाँ ऑफ कोर्स जितना मैं तुम्हें जानती हूँ। कौन सा कलर नहीं करवाना चाहती तू बता? रेड, ब्लू, पर्पल, ओह आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ डूइंग। अभी लग रहा है इसको, मैं तो जरूर ट्राई करेगी। नेवर, मैं इसको जानती हूँ उस हिसाब से तो ये करेगी जरूर। अभी अभी के लिए अपने भाई को 3-3, हाँ ठीक है, तो है इसको क्या मिलता है? मे बी ये बट मैं आई वाज थिंकिंग कि ये क्वेश्चन डिस्क्वालीफाई करेंगे बिकॉज़ बहुत लड़ाई हो गई, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि बिल्कुल नहीं कर सकती। ठीक है, बहुत सारी चीजें वो नहीं कर सकती। ठीक है, वो खुद को ये ऑलरेडी मेरे दिमाग में था, ना ये सच में मेरे दिमाग में था बहुत पहले से ही था। बट सो इतनी लड़ाई की कोई मतलब फायदा ही नहीं, इतनी लड़ाई का। मैं वो कुछ नहीं दे रही हूँ, नहीं दे रही हूँ। हाँ ठीक है, जब से शुरू हुआ है खत्म होने तक भी तुम यही बोलते रहना। ठीक है, पूछा किसी ने व्हाट्स माय वियर्डेस्ट हैबिट? इसमें weirdest, उसमें भी बहुत सारे हैं। हाँ बट एक है जिसके मैं पीछे you know, हमेशा लगी रहती हूँ, चिट 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 करती रहती हूँ घर में। हाँ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यस ट्रू पॉइंट, मेरे लिए है ओसीडी है इसको। कुछ टाइम वो सही लगता है, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ तो हाँ ये अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर रहा है। हाँ अगर ये ऐसा होगा उसको वो ऐसे ही चाहिए। कभी कभी अच्छा लगता है जो ये करती है, बट कभी कभी इतना इरिटेट हो जाते हैं हम लोग, सोचते हैं कि ये इसके साथ रहना कैसे है। नहीं ट्रस्ट मी गाइस, इट्स साइकोटिक। मैं खुद इरिटेट हो जाती हूँ कि मैं ऐसी क्यों हूँ, बट खुद में इरिटेट होती है, बट इट इज व्हाट इट इज। दूसरों को करती है ये जरूर, आई नो करती हूँ, बट है क्या करें आप। ये किसको मिलेगा? मुझे, मैंने बोला था बट इसने बोला और मैंने किया। तो मैंने किया, मैं बोल रही थी तो उसने बोल दिया। ठीक है, उसने एक्सप्लेन किया, बस मैंने बोला ओसीडी। ठीक है चलो इसको दे देते हैं, बिकॉज़ आई ट्रस्ट कि इसको पता था और इसने सबको पता है, तो इसने पहले आपकी आवाज की, सो इट गोस फॉर हर 4-3 ऐसा। मुझे तो काउंट भी याद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माय फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर। किसने बोला पहले? आई थिंक इसने बोला वनीला। तुम्हारा स्लो था, इसका ऊंचा था। स्लो था, तुम्हें तो सुनाई दिया ना? गड़बड़ नो नो करंट, तुम्हें भी नहीं पता। चॉकलेट नहीं, वो चॉकलेट इसको बिल्कुल नहीं पसंद। क्या है यार वो, हम लोग यहाँ खाते हैं वो जो यहाँ कभी नहीं मिलता, सीताफल। यस ठीक है, लास्ट हम जब गए थे वॉलनट का बोला था। वॉलनट नहीं, अंजीर था। अंजीर था, वो यहाँ पे मिलता है बिकॉज वही एक मैं खा सकती हूँ। बट अगर कस्टर्ड एप्पल का कहीं नहीं, अंजीर और कस्टर्ड एप्पल में ऑप्शन दिया जाए मुझे तो आई वुड ऑफ कोर्स, मैं ऑब्वियसली सिर्फ कस्टर्ड एप्पल ही चूज करूंगी फॉरएवर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट्स माय फेवरेट चाइल्डहुड? क्या क्या टेल मी, मेरा क्या क्वेश्चन क्या था? सब कुछ जानती हूं क्योंकि हम लोग, मेरा क्वेश्चन तो सुनो। ओके फाइन, मैं जानती हूं, मैं जानती हूं। क्वेश्चन से पहले नहीं, क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद। आई बेट यू गाइस डोंट नो दिस। ऑफ कोर्स मुझे पता है, मुझे पता है, मैं अपने हाथ में आंखों में लेके मैं शोर हूं कि मैं तुम्हें जानती हूं। ठीक है, मैं क्वेश्चन कहां है, घूम गया क्वेश्चन। व्हाट वाज माय, ओके व्हाट्स माय फेवरेट चाइल्डहुड कार्टून? ठीक है चलो इसी को देते हैं, फेवरेट चाइल्डहुड कार्टून। तुमने क्वेश्चन भी नहीं सुना? हां मैंने सुना। क्या देखते थे यार चाइल्डहुड कार्टून? दो तीन हैं, एक भी बोल लोगे तो चलेगा। टॉम एंड जेरी? नो। डोरेमोन? नहीं। डोरेमोन नहीं, मैं बोलूंगी वो ये है क्या, वो शिनचैन मैंने बोला। अरे मेरे को चांस ही नहीं मिला है। अरे वो तो एक बार जब मैं ओके कम ऑन, तीन मेरे फेवरेट्स हैं, तीनों में शिनचैन सबसे लास्ट आता है। जो फर्स्ट वाला बताओ। डोरेमोन तो नहीं था तुम्हारा? नहीं था। अगेन द कॉकरोचेस। अरे मोटू पतलू, अरे ये सब मेरे बचपन में नहीं होते थे। ये तो नहीं मेरे बचपन में मोटू पतलू नहीं था। बचपन कब की बात कर रही है? बता तू जब गोद में थी मां के? नहीं, तो फिर जब यू नो मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड तक भी पकड़ लो। ऑगी एंड द कॉकरोचेस नहीं था? नो। टॉम एंड जेरी नहीं। क्या था फिर? हथौड़ी। वन इटर्निटी लेटर। ठीक है मैं हिंट दूं? हाँ, दो दो नहीं दो 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 ठीक है मैं दूंगी। दो हैं कार्टून है वो। तीन ऑफ कोर्स कार्टून ही है। तो तीसरा वाला तो इसने बोल दिया। अब दोनों में दो सबसे ज्यादा, अगर तूने दो बोले तो मार्क्स दे रहे, अगर इसने एक और बोल दिया तो इसके 2 पॉइंट्स हो गए। ठीक है 2 पॉइंट 1 पॉइंट। तीन मेरे फेवरेट है ना। आई एम जस्ट ट्राइंग टू ट्विस्ट इट अराउंड। तो 3 है टोटल। एक इसने ऑलरेडी बोल दिया विच इज शिनचैन। तो और ये बच्चे हैं, अगर इसने 2 बोल दिया तो तेरे पॉइंट्स, अगर इसने एक और भी बोल दिया तो इसके पॉइंट। ठीक है वो चुटकी वाला? नो। भीम? नो नहीं, भीम भी मैं काफी देखा गया। इट्स नॉट माय फेवरेट। मैंने बोला था वो नहीं, वो मेरा फेवरेट नहीं है। ठीक है गोल ब्लू कलर, इट्स अ हिंट। अरे डोरेमोन का है वो। गोल थोड़ी है वो। अरे वो ऐसा के मैजिक होता है ना। नहीं नहीं इट्स नॉट डोरेमोन। अरे यार और कौन सा है? डार्क ब्लू कलर। हिंट लो, उसका मेन कैरेक्टर ऐसा दिखता है। डोरेमोन ही तो है यार। राउंड है, डार्क ब्लू कलर, सर्कल जैसा डार्क ब्लू कलर। ये मेन कैरेक्टर का मैं दिखा रही हूं, ये ऐसा दिखता है। हां Are you serious? तुझे भी नहीं पता नहीं। और खुद छेड़। अरे वो छोड़ के और एक। ओके जो दूसरा वाला है वो सुबह उठते ही, मतलब उसका स्टार्ट ही ऐसा होता है। नो, सुबह उठते ही पूरे आसमान की, पूरे अपने विलेज की सैर करता था गाते गाते। दिस इज द सेकंड हिंट, सेकंड शो का। मैंने भी नहीं देखा, मुझे भी नहीं लगा कि बताने के बाद भी मैं गेस कर। लल्लू लोग हैं। फर्स्ट वन है ऑस्वर्ल्ड। ऑस्वर्ल्ड नहीं पता क्या है? वो किसने देखा? ओह माय गॉड। और सेकंड वन है नॉडी। नॉडी मैंने सुना है पर मैंने कभी नहीं देखा। ठीक है कैसे हो? वही तो दिखाओ। आई लव दैट। आई मीन आई लव ऑल दीस 3 शोज। और ये नए वाले शौक कब पाल रखे मुझे नहीं पता। पुराने शौक है, नए नहीं है। अब पुराने वाले शौक कब थे ये मुझे नहीं पता। आई डू ऑडियंस भी कंफ्यूज हो गए। OSWALD आई एम श्योर ऑडियंस को पता होगा। कितनों को पता है प्लीज कमेंट कर लेना। आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा। ये किसने देखा है? सी दिस इज ऑस्वर्ल्ड। यस इतना मिला नहीं था। It was the best show. ठीक है अभी देख। I remember every Sunday में breakfast के time में लेके बैठ जाती थी। Good old days। दिखाओ दिखाओ question। तो point किसको मिलता है? इसने एक दिया, इसको मिलता है? इसी को ही मिलेगा। तो एक बार सोच ले, अगर मैं जीत गई तो मैं वैलेंटाइन लूंगी। इतना तुम्हें खास पसंद नहीं आया थे। किसने बोला? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। उसको जिताएगी तो वो तो टॉम्फोर्ड उठा के ले जाएगा। सोच ले। मैं ले जाऊंगा वो मेरी रूम में, वहाँ पर किसी को नहीं दे रही मैं कुछ भी। पूछेगा भी नहीं तुम्हें। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम लोग लड़ मरो, मर जाओ, मैं नहीं दे रही कुछ। अरे पूछा किसी ने। ठीक है फिर कंफर्मेशन क्यों ले रहे हो? बोलते रहो बोलते रहो। बता रही हूँ मैं तुम्हें, तुम्हारे लॉस ज्यादा किसमें है। तो तुम्हें जिताऊं? रिश्वत दे रही है। टेबल के नीचे से रिश्वत क्या दोगी तुम? टेबल के नीचे देख लेना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज मासी, लालू और वसीम भैया और मिसबा मुझे एक निकनेम से बुलाते हैं, वो क्या है? मैंने बोला ओ स्टार्टिंग से। नहीं क्वेश्चन खत्म हुआ मैंने बोला। तुमने क्वेश्चंस देख रखे हैं, तुमने क्वेश्चन से पहले आ क्या पता चल रहा है? ये सारी बातें तो मुझे पता है। जहाँ पे लालू आते हैं, जहाँ पे वसीम आता है और कौन मिसबा, तो ये मैं अगर वहाँ पे ना हूँ तो और क्या मुझे पता है। ये सारी चीजें मुझे पता है इसके बारे में। शालू। यस शालू बुलाता है। मेरे को भी पता है। क्यों नहीं किया तुमने? वो तो ऐसे स्टार्टिंग से नहीं मुझे पता है मेरा थोड़ी। ओके फाइन अब मैं करूंगी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन से कंप्लीट क्वेश्चन होने के बाद जो आवाज करेगा उसको मिलेगा, उससे पहले होगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। किसके साथ खेलेंगे फिर? डिस्क्वालीफाई करेगी। बढ़िया। हंसदे चेहरिਆਂ का मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ओके इफ आई कुड चेंज एनीथिंग अबाउट माय सेल्फ व्हाट वुड इट बी? तेरी ओसीडी एक हो गई। ये खुद चेंज करना चाहती है, उसको 1000 बार बता चुकी है कि हाँ मैं अगर मुझसे होगा तो मैं इसको बदलूंगी। ठीक है अगर तुमने ये छोड़ के अगर कोई और दूसरा अपने दिमाग में चल रहा है वो भी बताऊं, क्योंकि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज़ है जो मैं सच में चाहती हूं। क्योंकि ये बहुत जल्दी से भड़क जाती है। उसके बाद में हाँ गुस्सा इसका जो भी है वो एंगर इशू है इसमें। और जब वो किसी पे फट जाती है तो उसके बाद में रियलाइज करती है कि हाँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो करेक्ट। बट पता था तुम्हें? पता। ठीक है। If I could time travel, would I travel to the past or the future? मैंने बोला। तुमने हाथ ऊपर करके ओके देख लो वीडियो में देख लो। चलो ठीक है कौन जवाब देगा? मुझे नहीं पता। I really don't know कि किसने पहले किया। मैंने किया। मैंने हाथ इतना ही रखा, आ बोला मैंने हाथ ऊपर करके बाद में। सबको अपना लगता है। ओके तुम्हें लगता है? कौन आप दोनों प्लीज प्रेजेंट में। ओके किसमें जीना चाहती है ना? जाके मैं एक बार विजिट करना चाहती हूँ। अगर मुझे मौका मिला तो मैं एक बार विजिट करना चाहती हूँ। या तो वो पास्ट है तो फ्यूचर है। क्या फ्यूचर? फ्यूचर में कौन जाना चाहिए? Of course, सब लोग फ्यूचर में ही जाना चाहेंगे, बट आई हैव दिस थिंग इन मी, मुझे कुछ चीजों में आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड, तो मैं जाकर देखना चाहूंगी जरूर कि वो तब ऐसे वैसे कैसा था। नहीं मैम, अपने पास्ट और फ्यूचर की बात नहीं कर रही हूँ, जनरली अब तक जितनी भी जिंदगी गुजरी है हर किसी की लाइफ, तो पास्ट या फ्यूचर लाइक दैट, तो पास्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ आई कुड ओनली हैव वन, वुड आई चूज मनी और पावर? क्वेश्चन से पहले आओ नहीं, मनी और पावर मैंने कंप्लीट ही नहीं किया था क्वेश्चन, ठीक है चलो लास्ट मौका। ओके, इफ आई कुड only have one, would I choose money or power? मैंने बोला of course power, क्योंकि तुम बहुत एंजॉय करती हो, रूल करती हो, इसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि दूसरे पे रूल करना। मनी नो, पावर, पैसा। honestly yes, because money के साथ पावर खुद ब खुद आ जाती है। अच्छा yes, कंफर्ट तो तेरा गया 75। no but that is true, I think if I कभी मुझे चूज करने का मौका मिला तो I would definitely choose money। मुझे नहीं लग रहा प्रैक्टिकली ऐसे हुआ ना, अगर कोई ऐसे मुझे दो ऑप्शन देगा पावर या मनी, I would definitely choose money because मनी के साथ खुद ब खुद पावर आ जाती है। मुझे अब यहाँ पे बैठ के लग रहा है मैं इसको जितना सोचती थी कि मैं जानती हूँ उसको नहीं जानती मैं। I don't know when you said money, थोड़ा सा डाउट हो रही हूँ मैं। नहीं सच में, ऐसा ना लग कि मैंने तुम्हारे लिए बदला, ऐसा नहीं, मुझे नहीं वो बात नहीं कह रही मैं कह रही हूँ कि हाँ मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हें इतना नहीं जानती जितना मैं सोचती हूँ। अच्छा हुआ यहाँ आए हम लोग। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर माय व्यूज ऑन मैरिज? व्यूज मैरिज? नहीं, ये सोचती है कि वही वाला। अरे तुम कर क्या रहे हो? ये करती है, जवाब ये देता है। तो मैं वो बोल रहा हूं, वो बोला था ऐसे तुरंत हो जाएगा, नहीं तो ऐसे सिर पे नहीं बहुत शोर होगा। सुनो ऐसे मानती है कि हाँ शादी के बाद सब कुछ खत्म है, इसको लगता है कि सब लोग ऐसा सोचते हैं कि शादी के बाद कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है उनकी लाइफ का, कुछ चैप्टर, बट इससे लगता है कि वो दी एंड है लाइफ का। आई डोंट नो ऐसा क्यों सोचती है, बट ऐसा है नहीं है, बट ये सोचती है काइंड ऑफ ट्रू। हाँ लाइक ऐसा ही कुछ है। आई डोंट नो, आई डोंट रियली बिलीव इन तो इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज कि बहुत चीजें बिगड़ जाती है, मुझे ऐसा लगता है शादी के बाद, बट ऐसा है नहीं है। आई डोंट नो, ओके हर दूसरी बीवी यही बोलती है। ओ बीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या ऐसी चीज है जो मुझे करना बहुत पसंद है? मैं कंप्लीट तो करूँ यार, क्या फालतू लोग हैं मेरे चैनल पे। कितने होंगे थे? ओ हेलो, मैं लीड कर रहा था। नो एक में कर रहे थे शायद, लड़ो मर जाओ। एक से लीड कर रहे थे, तो मैं शायद मैं 6 थी, तुम 7 थे। अब एक 7 हो गया ना। अभी जो मेरा क्वेश्चन क्या था, इतना कॉन्फिडेंट, वो क्या ऐसी चीज है जो मुझे करना बहुत पसंद है बट अब आई हेट इट? कुकिंग। बचपन में इतना अच्छा खाना बनाती थी व्हेन शी वाज 6th स्टैंडर्ड। हाँ फर्स्ट टाइम मैं नॉट 600, फर्स्ट टाइम आई थिंक मैंने कुक तब किया था व्हेन आई वाज 4th स्टैंडर्ड। हाँ वो मेरे नानू गए थे इसके घर पे, इसकी मम्मी के साथ कहीं शॉपिंग में गए थे, तो इसको कुछ नहीं, हाँ इसकी शॉपिंग पे गए थे, इसको कुछ नहीं बोला कि ये कुछ मतलब कुछ प्रिपेयर करके रखो, ये तो छोटी इतनी बच्ची है इसको कौन बोलेगा ऐसे। फिर भी इसने खुद से कुछ प्रिपेयर किया था उनके लिए, कुछ वेजिटेबल्स के, कुछ अंडा ग्रेवी थी, हाँ वो बनाई होगी इसने, इतनी यम्मी थी वो बताते। अभी मैं तो नहीं खाई थी उस टाइम, मैं नहीं थी, जो लोग खाए वो बहुत तारीफ किए हैं, इसको बहुत कुकिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, बट अब बहुत अच्छे से जी रहे हो और तंदुरुस्त हो गए शायद उसके बाद तंदुरुस्त हो गए। यस आई हेट कुकिंग, आई जस्ट हेट माय बेबी। किचन की शक्ल भी देखना नहीं पसंद है। ईच कहां से हो गए? 6-7 हुआ ना, 6-7 था, अभी 1.7 क्यों लड़ रहे हैं इतना? कंफर्ट ब्रो, बैलेंस ना ब्रो, ठीक है। ओके, माय फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी। ओके चाइल्डहुड मेमोरी, तुम लोगों की फ्रेंडशिप जो मिसबा अफरीन तुम लोगों के साथ थी, तुम गली गली आवारा गर्दी करते थे, वो वाले? नहीं, तुम्हें ट्राई करना नहीं है वो, नहीं है। हाँ वसीम को इरिटेट किया करती थी स्कूल में के, नहीं चाइल्डहुड फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी हम बचपन में किया करते थे, हम सब किया करते थे, इनफैक्ट सब बच्चे। आई एम नॉट वेरी श्योर कि तो इन्वॉल्व होती थी या नहीं उस चीज में, बट हम सारे बच्चे जो होते बहुत ऐसे ये करना पसंद करते थे। किस चीज के बारे में तुम लोग करना पसंद करते थे? हां ये इट इज समवॉट रिलेटेड टू द प्रीवियस क्वेश्चन। हाँ हम लोग वो खेलते थे कि घर से चावल वगैरह लेके जाते थे, वहाँ पे ग्रुप बनाते थे और वहाँ पे जाके खेला करते थे। अरे यार मैं क्या बात कर रही है, हाँ उसको याद नहीं। फिर हाँ बहुत अच्छा लगता था, वहाँ पे एक मैंगो का वो था ना बगीचा था, ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे घर पे जब मम्मी इधर उधर होती थी तो वहाँ से बर्तन उठाते थे और किसी के घर के चावल, किसी के घर का कुछ ना कुछ उठा के लेके जाके वहाँ पे हम खाना बनाते थे। वो खाने लायक होता नहीं था एक्चुअली में, बट बहुत स्वाद लेके खाया करते थे। बट या बेसिकली ये चीज है, बचपन में हम ऐसे मतलब कुकिंग किया करते थे सब कुछ खुद से, मतलब यहाँ वहाँ से चीजें उठाकर। सारे सवाल खुद हुए हैं उसके बाद भी, मतलब ऐसा नहीं है कि वो जब हम बहुत छोटे थे तभी किया करते थे। तो मैं थोड़ी था उधर नहीं पर तुमने सुना तो होगा। बात करते हैं इसके बारे में, तुम लोग बात करते, मैं थोड़ी बताऊं। तुम रुके नहीं? अरे मैं तो नहीं था, सुना भी नहीं। तो कोई बात होती ही नहीं है। नहीं वो बोल रहा है मतलब वो छोटा था तो उसने नहीं सुना ऐसा, बट अभी भी डिस्कस करते हैं उस बार। हम तो डिस्कस करते हैं कभी कभी ये सब चीजें। तो तुम्हें छोटा बच्चा ख्याल रखना चाहिए। ओके नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज माय ज़ोडिएक साइन? वाइसेस। क्या चोमो आदमी है। स्कॉर्पियन। गॉड मेरा सिंपल, मेरा ज़ोडिएक साइन नहीं याद, किसी को पता नहीं है। कैंसर? नहीं, मार्च में आता है मेरा बर्थडे। दोनों ज़ोडिएक लिस्ट में जो सबसे पहले आता है एरीज। हाँ तो एरीज, एरीज जून वाला। बेसिकली इन दोनों को मतलब ज़ोडिएक का ज्यादा पता नहीं है। जब मेरे को मेरा पता है, मैं बिलीव नहीं करती शायद इसलिए मैंने कभी मैंने वो कभी ये मेरा और श्रद्धा कपूर का से मेरा ये पता है। वाओ अब छोटा नहीं है तू, अब छोटा नहीं है। किसको मिल रहा पॉइंट? किसी को नहीं मिल रहा, किसी को नहीं मिल रहा। जीरो अभी मैं लीड कर रही हूं, ठीक है। मेरा ड्रीम ट्रैवल डेस्टिनेशन क्या है? वैसे तो ये बाहर सारी वर्ल्ड पूरी दुनिया देखना चाहती है, पर इसका पेरिस। तुम? पहाड़। पहाड़ पर क्या? एक कोई तो जगह का नाम होगा। कोई है वो? लगाओ। इंडिया में? इंडिया के बाहर? बाहर। स्विट्जरलैंड। करेक्ट। अरे पहाड़, पहाड़ कहाँ है? पहाड़ इंडिया के बाहर वो एक ही है। बहुत मुझे लगा था कि बहुत रोमांटिक है, ठीक है। जब हाँ बहुत ज्यादा रोमांटिक है, तो मुझे लगा कि पेरिस से ज्यादा। मुझे पता था कि इसको स्विट्जरलैंड पसंद है, बट मैंने सोची कि शायद ये पेरिस जाना चाहेगी पहले। जब हाँ मुझे फिर इसने बोला कि पहाड़ी, तो मैं थोड़ा सा वहाँ पे मुझे डाउट हो, मुझे लगा कि ठीक है ना। ओके यस, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माय फेवरेट सीजन? मैंने बोला आ, तो ए बोले मैं बहुत टाइम लगता है। मैंने आ बोला, मुझे लगा इसका आवाज, उसका आवाज जोर था ना, मेरा धीरे था। ओके आई डोंट नो, आप लोग डिसाइड करो म्यूचुअली। मैंने बोला ठीक है। किसने बोला? मैं तो से बड़ी हूं, मैं बोलूंगी तुम्हें रेनी सीजन। एक सेकंड, जब से YouTube चैनल शुरू हुआ है तब से इसको रेनी सीजन बिल्कुल नहीं पसंद, बिकॉज बहुत कम लाइट आती है यहाँ पे। तो उसके बेस पे तुम ये करोगी तो नहीं, इसको विंटर्स बहुत ज्यादा पसंद है। तुम? ओके, तुम्हारा मौका है भी नहीं। यस मुझे विंटर्स पसंद है। मुझे एक्चुअली रेनी सीजन कभी पसंद नहीं था, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी, बट थोड़ा रेनी सीजन पसंद था, बट बिकॉज आई एम अ कंटेंट क्रिएटर नाउ, तो अब मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बिकॉज इट गेट्स वेरी ग्लूमी। तो मुझे रेनी सीजन अभी इतना ज्यादा नहीं पसंद। सो यस, विंटर सीजन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन और करें? और दो करें बस, ठीक है, बहुत लंबी हो जाएगी। गो। मैंने टोटल कितने स्कूल चेंज किए हैं? इसने किया पहले। ओके फाइन, हाँ कर देते। गिनेगा? मुझे ऑनेस्टली मुझे भी नहीं याद। करो। गिनो, मैं भी गिनती हूँ साथ में बैठ के। मैं गिनती हूँ। किसका टोटल? गोवा में तो हुआ ना बचपन। नहीं तू हेल्प नहीं करेगी क्या? नहीं बहुत जनरल। यस ओके, मैं बोल रही हूँ टोटल कितने स्कूल चेंज किए मैंने, ठीक है। कितने स्कूल चेंज किए? स्कूल नहीं, मैं सिटी बता सकती हूँ। वहाँ पे कितने स्कूल चेंज किए ये किसको पता नहीं? नहीं टोटल स्कूल कितने चेंज किए वो है क्वेश्चन। ओके कोई बात नहीं, मेरा दिमाग नहीं दौड़ रहा गाइस, मुझे खुद याद नहीं आ रहा। अरे वो नहीं पता, ऐसा नहीं आएगा। कर मुझे पता है। मैसूर एक। नहीं मैं बता देती हूँ। 7। मैं काउंट कर लूँ प्लीज? रुक जाओ, मुझे डिस्टर्बेंस होगा। 1 2 3 एक सेकेंड, 3 और 4 फिर 5 6 7 8 या 9 कैसे? 8 भी कैसे बता दे। 8 7 मुझे 7 याद है। 8 तुम्हें? एनीवे ठीक है, तुम्हारा क्या नंबर था? 7 तो क्लोजेस्ट, ठीक है, शी गेट्स द पॉइंट। 2 और क्वेश्चन मैं ले रही हूँ। अगर टाइम होता है तो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाल देते हैं, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा आई डोंट नो आप लोगों को आंसर पता है कि नहीं है, बट ओके दिस हैज टू बी माय फेवरेट क्वेश्चन। Start. Which branch of science stream interests me? कौन सा? क्या आदमी है यार? कौन सी साइंस स्ट्रीम की ब्रांच मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट करती है? अगर ये तुझे नहीं पता होगी तो मैं तेरे खाने में जहर मिलाकर दूंगी। सब्जेक्ट नहीं है, ब्रांच। सच मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट करती है, जिसके बारे में मैं बहुत बात करती हूँ। ये आप लोगों के लिए हिंट था। आई थिंक ये तुझे पता होनी चाहिए, एक तरह से फेवर है। अगर तुझे नहीं पता तो इट्स योर लॉस। तुझे भी पता होनी चाहिए, क्योंकि रिसेंट ही मैंने मतलब बिकॉज मैं ये ये वीडियो बनाने वाली थी, तो आई जस्ट वांटेड टू ड्रॉप सम हिंट्स। तो मैंने इन दोनों के आसपास वो किया है ताकि उनको थोड़ा आइडिया आ जाए। डर्मेटोलॉजी नहीं। Much, much, much later. बोल दे, कोई जवाब दे दो प्लीज। आई वॉन्ट टू बिलीव कि हाँ ये मुझे इन दोनों में से कोई तो मुझे इतना अच्छा जानता है। साइंस में क्या है और क्या होता है इसमें? हाँ वही तो बहुत सारे होते हैं साइंस स्ट्रीम में। अच्छा कोई नेटफ्लिक्स पे कोई याद देखी है क्या? नहीं, शौक बदलते रहते हैं इसके वजह से। नो हाँ हाँ ये कह सकते हैं। ये मुझे यू नो रिसेंट कुछ 3-4 साल से मुझे नो 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 इट्स नॉट दैट नहीं नॉट एट ऑल। तो वही निकलेगा जरूर, आई प्रॉमिस। ऐसा कुछ भी नहीं है बट आई डोंट नो कहाँ से कैसे बट ये 3-4 सालों से मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट करता है और मैं हमेशा इसकी वीडियोज देखती रहती हूँ रिगार्डिंग वो ऊपर स्पेस एस्ट्रोनॉमी क्योंकि इतना डिस्कस करके लास्ट में बचा कौन सा? सिर्फ इतने थोड़ी है डर्मेटोलॉजिस्ट और गायनेक थोड़ी है, इतने सारे हैं। आई लव यू नो मुझे और ज्यादा नॉलेज लेना बहुत पसंद है अबाउट आवर प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज ऑल दैट मुझे बहुत पसंद है। इट्स नॉट अबाउट एनी मूवी, मुझे पता नहीं, मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट करता है टू नो अबाउट द यूनिवर्स। किसके 9 किसके 10? तुम्हें क्या? नहीं मुझे जानना था ना टाई किसका होगा होगा तो वैसे वो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई एक विनर निकलेगा यहाँ से। कॉन्फिडेंस। ओके, हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन माय लाइफ? मामा बोला। आवाज तुमने बाद में किया, हाथ सिर्फ तुमने पहले उठाया, आवाज तुमने किया। कैसे जीत गया भाई? और क्या नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है ही नहीं, हो गए क्वेश्चंस खत्म। अभी मैं बोले कहता हूं अभी मामला गरम है। ओके ये तो कर चलना आवाज मुंह से। हां ठीक है ये वो मेरे को नहीं आ रहा, वो जैसे तुमने ये शुरू किया ना आ मेरा सुनाई दे रहा तो ये हमेशा तुम्हें ही दे रही है चांस भी। हां ऐसे हो रहा है वो ये लगाते हैं क्या लगाते हैं स्पून और चम्मच। हाँ वो तेरा साउंड है या मेरा वो मिक्स हो जा रहा है। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ नहीं पता चल जाएगा, नहीं पता चलेगा, नहीं तो फिर नहीं ताली नहीं मेरी ताली मेरा ए नहीं आ रहा वो नहीं ए बोला पड़ेगा तुम्हें पूरी गेम खत्म होने तक। ए है बाद में दो आके यहाँ पे दो नहीं आधे से कर रहा हूँ। हाँ तब से तुम्हें ही मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? 3-4 साल लेट किया था। क्यों थक रहे हो? ठीक है आप लड़ मरो, मैं क्वेश्चन ढूंढती हूँ। बहुत सिंपल सा सवाल है। ए आओ मेरे को नहीं आता। ओके नहीं सिंपल ब्रो, सिंपल क्या ब्रो तेरी और मेरी ताली में वो फिर कंफ्यूज हो जाएगी। आवाज से पहचानते हैं ठीक है, आवाज मुंह से पहले भी बोला, मुंह से आवाज जो करेगा सबसे पहले वो दोनों सोच लेना कि सबसे पहले जो आवाज इंसान के कान तक पहुंचती है वो आवाज निकाले। ओके माय लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माय शू साइज? काम करो स्टोन पेपर सीधा कर लो, मार देगी मुझे। क्यों देख के जान से मार देगी। स्टोन पेपर सीधा कर लो ठीक है, थोड़ा बायसनेस तो चलता है। मैं नहीं बोल रही कुछ, मुझे पता है मैं नहीं बोल रही, मुझे पता है, मुझे पता है ठीक है। ओके के बाद में वाह ओके ओके फाइन। स्टोन पेपर सीजर शूट। अरे भाई मैंने पहले बोला इसमें बता दूं मैं यूके में तुम्हारा है एक आंसर फाइनल 5 करेक्ट। जैसे यहाँ से निकलूंगी अपने साथ लेके जाऊंगी एक तमाचा पड़ेगा कान पे। क्यों इतनी महंगी वीडियो नहीं बनानी मुझे, कोई बात नहीं। ओके एंड ऑफ डिस्कशन। बहुत मजा आया इस वीडियो में, इट वाज अ वेरी फन वीडियो और ये बहुत लड़े दोनों आपस में। डू टेल मी इन द कमेंट्स डाउन बिलो आपको मजा आया या नहीं, या फिर आप कुछ मुझे सजेस्ट करना चाहते हो। इफ यू वांट अ पार्ट 2 कमेंट बिलो अगर आप इन दोनों बंदरों को देखना चाहते। इफ यू लाइक वाचिंग माय वीडियोस डू टेक moment to like this video, share it with your friends and family, and yes, subscribe to my channel. So with that, I'm going to be leaving you guys here and see you in my next video. Bye.